इतिहास। प्लूटो, जिसे सौरमंडल का सबसे बौना ग्रह माना जाता है, हम सभी ने स्कूल में इसके बारे में जरूर पढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी और क्या है इसके नामकरण से जुड़ा रोचक इतिहास? इसके अलावा इतिहास के पन्नों पर और क्या दर्ज है आज के दिन को लेकर? हर दिन कुछ नया करने और कुछ अनोखा खोजने के इच्छुक लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं। 18 फरवरी 1930 को ऐसे ही एक जिज्ञासु अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बा ने एक बौने ग्रह की खोज की। इस ग्रह का नाम रखने के लिए सुझाव मांगे गए तो ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में 11वीं की छात्रा वेनेशिया बर्ने ने इसे प्लूटो नाम दिया। उसका कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं और इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए और बाद में यही नाम रखा गया। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिक गणना के आधार पर कहा जाता है। दरअसल साल 2006 से पहले इसे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2006 के बाद इसे सूची से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। प्लूटो को यम का ग्रह भी कहा जाता है। 18 फरवरी 1836, ये वो तारीख और साल था जब भारत के महान संत और विचारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस का पश्चिम बंगाल के हुगली में जन्म हुआ था। इनका असली नाम था गदाधर चटर्जी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में धर्म और आध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले स्वामी रामकृष्ण माँ काली से बात करते थे। स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य हुए और पूरी दुनिया में भारत को एक नई पहचान। इसी तारीख को 1911 में डाक पहुंचाने के लिए भारत में पहली बार विमान का इस्तेमाल किया गया। एयरमेल की पहली आधिकारिक उड़ान इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहां पर हुई और इसमें कुल 6500 पत्र नैनी ले जाए गए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।